नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड VBA मैक्रो। दोस्तों, आज VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग पे हम बहुत अच्छी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली मैं एक काम खुद के लिए कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे वीडियोज फाइल होती है, उन फाइल्स को हम नाम रिनेम करते हैं और रिनेम करके एक दूसरे जगह पे कॉपी पेस्ट करते हैं, वीडियो यूट्यूब में अपलोड करने के लिए या इंडेक्सिंग के लिए वगैरह वगैरह इस सब चीज़ों के लिए। तो वही हम बताएंगे कि हम VBA मैक्रो के जरिए हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने, मेरे पास बहुत सारे कुछ वीडियोज हैं, वही हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। ये डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट के फाइल में मेरे पास जो वीडियो अवेलेबल है, ये देखिए, ये तकरीबन 272 वीडियो अवेलेबल है। तो मेरे पास टोटल कितने वीडियोज है, तो 272 वीडियोज अवेलेबल है। अब इस 272 वीडियोज को मैंने कॉपी किया और मान लीजिए कि मैं इसी में एक फोल्डर बनाता हूं न्यू करके, और इसका मैं यूपी VID कर देता हूं। अब इसमें मैं सारा वीडियोज को पेस्ट करता हूं। अभी क्या है कि इसमें जितने भी वीडियोज है, उस सारे वीडियोज का मुझे रिनेम करना है एक दूसरे से। तब एक एक करके रिनेम करेंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि ये 200 कुछ वीडियोज है, आगे चल के हो सकता है कुछ 2000 से ऊपर वीडियोज हो, तो एक एक करके इसका रिनेम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए इसके लिए हम कुछ करते हैं। तो इसके लिए हम एक मैक्रो बनाएंगे। सबसे पहला होगा कि जितने भी वीडियोज हैं उनका लिस्ट मुझे मिलना चाहिए, और फिर उस लिस्ट में से हम इसको कॉपी करेंगे। तो मैं डेव डाउन जिसमें जाता हूँ डेवलपर में, यानी यहाँ पे विजुअल बेसिक और इंसर्ट, हम यहाँ मॉड्यूल्स पे आते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा। तो सबसे पहले हम माइक्रोस, जितने भी माइक्रोस, सबको कॉल करना सीखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे डिम fn एज ए, हमने कर दिया स्ट्रिंग, और फिर यहाँ fn के ऊपर एक फंक्शन होता है dir। dir फंक्शन क्या करता है कि इसके डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स है उसका लिस्ट पिक करता है विथ एक्सटेंशन। तो मेरी वीडियो जो है उसकी एक्सटेंशन क्या है, mp4 का वीडियो है, तो इसकी एक्सटेंशन देखने के लिए मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या हो गया, हाँ प्रॉपर्टीज में देखिए डॉट mp4 है, तो मैं यहां पे स्टार डॉट mp4 कर देता हूं और यहां पे लिखता हूं vv normal। अभी क्या हुआ कि fn पे एक ही वीडियो अपलोड हुआ है, तो सारे वीडियो के लिए हम देते हैं डू वाइल, क्योंकि एक स्ट्रिंग फंक्शन है, तो एक dir एक बार में एक जगह, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, ऐसे देता जाएगा। तो डू वाइल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दूं कि fn इक्वल टू dir, तो फिर दूसरा वीडियो को अपलोड करेगा।
लेकिन ये कितना वीडियो हो सकते हैं इसकी तो गारंटी नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं कि डू वाइल अंटिल, डू वाइल अंटिल नहीं, डू वाइल एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, अब जो फाइल एफ एन पे आ गई है, जो जितनी भी फाइल है एफ एन पे आ गई है, अब इसका नेम चेंज करना है हमें। तो नेम के लिए होता है यहाँ पे कि नेम और यहाँ पे पूरा एक्सटेंशन देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फाइल कहाँ है, लोकेशन तो एफ एन पे नहीं सेव होगा। और नाम क्या होगा इस पे, एफ एन, और किस नाम से सेव हो, तो हमने ये भी दे दिया यहाँ पे कि एडवांस एक्सल वीवीए एंड एमआईएस ट्रेनिंग इन हिंदी, और इसके साथ कॉन्करेंट हो जाएगा आर। अब आर क्या है, आर यहाँ पे आर इक्वल टू आर प्लस वन, और इसके साथ जो है यहाँ एक में दो दो बार इन्वर्टर कॉमा, यहाँ पे एक एक इन्वर्टर कॉमा क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आर है हमारा, इस आर आर में मुझे यहाँ पे डॉट एम पी फोर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटेंशन भी देना जरूरी है। एज होगा फिर तो कोडे, फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एफ एन इक्वल टू डी आई आर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड द लास्ट हम करते हैं यहाँ पे लूप। तो जितने भी फाइल्स हैं, अभी ये कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी हो जाता तो मैं चला के बता देता आपको, लेकिन दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप जितने भी फाइल्स हैं इसमें, वो सारे फाइल्स को इस नाम से सेम लोकेशन में रिनेम कर देगा। तो इसी तरीके से आप हमारी टच चैनल को देखते रहिए दोस्तों, मेरे चैनल्स को हिट्स की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यू अब नहीं आ रहे हैं किसी कारण से। तो आप चाहते हैं कि इस पे मैं और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ, और ज़्यादा वीडियोस इसमें डालूँ, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए और वीडियो को पॉपुलर कीजिए, तभी मैं और ज़्यादा वीडियो इस पर डालूँगा। नहीं तो जितनी वीडियोज़, क्योंकि मैं करीब 1600 वीडियो डाल चुका हूँ और 1600 वीडियोज़ में मेरे 19,000 सब्सक्राइबर हैं, बस 19,000 सब्सक्राइबर डालने के बाद भी मेरे वीडियोज़ पे हज़ार के मतलब जो वीडियो डालने के हफ्ते दिन तक 1000 व्यू ही रहते हैं, तो इस कारण से मैं थोड़ा सा निराश हो गया हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए।